हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो होने वाली है डेंटल हाइजीन से रिलेटेड। हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दांतों का इतना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इनकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट इनमें कैविटीज़ हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, समय से पहले टूट कर गिर सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ में एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूँगी, बहुत ही इफेक्टिव है, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो उसे जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड यस, जैसे कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये लगता है कि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हेल्पफुल वीडियोस रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा हुआ बेल बटन है उसको हिट कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप तक पहुँच जाएगा। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंटल प्लाक, बोल सकते हैं उसे आप, डेंटल टार्टर बोल सकते हैं, डेंटल कैलकुलस बोलते हैं, और कुछ लोग इसको बोलते हैं दांतों में पत्थर का जमना, इस तरह से भी बोलते हैं। दांतों में पत्थर का जमना क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं उनमें अंदर की तरफ आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ जमा हुआ, सफ़ेद नहीं हल्के येलोइश कलर का होता है, ऐसे कुछ पत्थर सा जमा हुआ लगता है। ये आपके दांतों के ऊपर भी रहता है, आपके गम्स के ऊपर भी रहता है, दांतों के बीच में जो स्पेस है वहाँ दिखता है। तो इसको मेडिकल टर्म में डेंटल कैलकुलस बोलते हैं, टार्टर बोलते हैं, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान आपको पहुँच सकते हैं, और यस लास्ट में इसकी होम रेमेडी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये जो डेंटल टार्टर होता है, ये बेसिकली क्या होता है, आपके माउथ के अंदर नेचुरली कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में चिपके हुए रह जाते हैं, स्पेशली जब हम कोई मीठा खाते हैं तो वो आपके दांतों के लिए यस नुकसान करता है। नुकसान इन द सेंस, मीठी चीज़ जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं बैक्टीरियाज़ की ओवरग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फूड पार्टिकल्स है चाहे या कोई मीठा है या जैसा भी है, लेकिन फूड पार्टिकल्स जो आपके दांतों में चिपके रह जाते हैं उनके साथ ये बैक्टीरिया मिक्स होकर के दांतों के ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम बायोफिल्म्स कहते हैं। शुरू में लेयर इतनी हल्की होती है कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन यह समय के साथ साथ जैसे कि अच्छे से डेंटल केयर नहीं करते हैं, डेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये लेयर मोटी होती चली जाती है, बाद में एक हल्के येलोइश कलर की एक डार्क हार्ड लेयर आपको दिखाई देती है, जिसको हम डेंटल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। अब इससे नुकसान क्या हो सकते हैं आपके दांतों को, तो ये जो बायोफिल्म बन जाती है, ये जो डेंटल टार्टर होता है, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि आपके माउथ में बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ हो गई है, क्योंकि उनको एक फेवरेबल मीडियम मिल गया है रहने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इससे आपके जो माउथ का एक पीएच जो लेवल मेंटेन रहता है वो कम हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कीड़े लग सकते हैं, कैविटीज़ हो सकती हैं, आपके माउथ से बैड स्मेल आ सकती है, आपके जो गम्स होते हैं वो कुछ फूले फूले से आपको नज़र आएंगे, जैसे कि वो अच्छे से दांतों को होल्ड करके रखते हैं लेकिन ऐसे लगता है कि देखने में रेड कलर के दिख रहे हैं, और जैसे दांतों को छोड़ रहे हैं, कुछ फूले फूले से नज़र आते हैं, एंड यस इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो इस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड एट लास्ट, ये जो डेंटल टार्टर होता है, डेंटल कैलकुलस होता है, आपके दांतों के इर्द गिर्द जैसे चिपका होता है ना ज़ोरों से, तो ये कहीं ना कहीं आपके दांत को कमज़ोर कर रहा होता है, समय से पहले आपके दांत हिल सकते हैं, टूट कर गिर सकते हैं, तो ये आपके दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि इनकी सफाई आपको रेगुलर करवाते रहना चाहिए, तो वो स्केलिंग से आप इसको क्लीन करा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि आप घर पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ जिनको खाने से भी आपकी जो दांत हैं उनकी, मतलब जो आप ब्रशिंग करते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपको डेली रूटीन में करना ही है, लेकिन साथ में कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं आपके किचन में ही अवेलेबल होते हैं, जिनको खाने से भी आप अपने दांतों का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उनमें सबसे मेन हो जाता है लौंग, गार्लिक एंड सिनेमन। आप इनको अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सिनेमन है उसको पानी में उबाल के पी सकते हैं, एंड जैसे कि आपका लौंग है उसको आप चबा सकते हैं, अपने दांतों के बीच में रख के चबा सकते हैं, गार्लिक है उसको भी आप चबा सकते हैं, तो इनसे क्या होता है, इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि ये आपके माउथ में बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ को नहीं होने देता है, उसको रोक देता है। तो ये चीज़ें आप चीव कर सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब ये बायोफिल्म्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, हल्का हल्का आपको दिखता है कि हाँ हल्का हल्का येलोइश कैलकुलस आपके दांतों के बीच में जमने लगा है, तब कहीं जाके आप अलर्ट होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है,
आपको आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा की ऐड करनी है एंड 1/4 चम्मच आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% वाला आपको मिक्स करना है। यहाँ पर बेकिंग सोडा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको ये नहीं समझना कि ये कहाँ मिलेगा, आपके केमिस्ट्री शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। 3% मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मेडिकल यूज़ के लिए होता है। इसके अंदर 97% वाटर होता है और 3% इसके अंदर परऑक्साइड होता है, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है, 3% बहुत ही सस्ता मिलता है, केमिस्ट पे जाके ज़रा ख़रीदने की खिदमत कीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग नाम सुन के ही सोच जाते हैं पता नहीं क्या चीज़ बताती है, बता दी है, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या ये कहीं महंगी तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बजट फ्रेंडली आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, और आपको मैं बता दूँ जो मैनीक्योर पेडीक्योर करते हैं उनमें भी हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ होता है, लेकिन हाई जो ब्यूटिशियंस होते हैं मुझे इतना नहीं पता वो कौन सा यूज़ करते हैं 3% या कौन सा, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3% वाला आपको बताया, अगेन रिपीट कर देती हूँ, आधा कप पानी लेना है, उसमें 1/4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है और 1/4 चम्मच आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% डालना है। इसको आप मिक्स कर लीजिए, जब आप ब्रश कर लेते हैं ना, ब्रश करने के बाद आपको इस सॉल्यूशन से भी आपको अपने दांतों में अच्छे से इसको घुमाना है, ऐसे करना है, ब्रशिंग ही कर रहे हैं और फिर कुल्ला कर लेना है, ठीक है। ये आपके दांतों में टार्टर को नहीं जमने देगा, और अगर जमना शुरू हो गया है तो उसको समय से पहले निकाल देगा। इनमें जैसे मैंने बेकिंग सोडा बताया, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि ये जो डेंटल कैलकुलस या जो टार्टर होता है आपके माउथ का पीएच एसिडिक कर देता है, तो ये उस एसिडिक पीएच को वापस से नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ होती जा रही है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है, जो आपके गम्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी हीलिंग का काम करता है। बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं ये कहूँगी ज़रूर इस्तेमाल करना, हम तो बस अपील कर सकते हैं, करना आपको है। तो जैसे मैंने ये होम रेमेडी बताई है, ब्रश के बाद आपको करनी है, दिन में 2 बार करना है और कम से कम आपको 2 हफ्ते तक तो ज़रूर करना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंस्टेंटली क्या है कि जैसे कि आपके मुँह से अगर बदबू वगैरह आने शुरू हो गए, आपको एक अच्छा अच्छा सा फील तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यह जो टार्टर जो रिमूव होना शुरू होगा वो एटलीस्ट आपको 2 हफ्ते तक करना है, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड यस, जो लोग करें प्लीज़ अपना रिज़ल्ट को कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखें कि उनका कैसा रहा। मैं तो बस यही कहूँगी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और यस अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिएगा जिससे कि ये जानकारी और सभी तक पहुँचे, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।